दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए। यह जीके सीरीज का पार्ट सेकंड है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखेंगे करंट अफेयर्स की, और फिर हम लोग एक वीडियो में टॉपिक देखेंगे इंपॉर्टेंट, जिनसे आपके एमपी सिविल जज में जो टॉपिक से क्वेश्चन आना, मतलब संभावना, जिन टॉपिक की संभावना ज़्यादा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा और लता मंगेशकर क्यों चर्चा में रहे? तो मिल्खा सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा और लता मंगेशकर, क्योंकि इनका निधन हुआ इसलिए न्यूज़ में रहे। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मिल्खा सिंह की बुक पूछी जा सकती है, बायोग्राफी मिल्खा सिंह की, और सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? तो वो पर्यावरणविद थे और चिपकू आंदोलन वगैरह से उनका संबंध था। इसके अलावा लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया और ये कहाँ से संबंधित हैं? जैसे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट है, तो मिल्खा सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा और लता मंगेशकर क्यों चर्चा में रहे? तो इनका निधन हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की जो डेथ होती है उनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूक्रेन और रूस अभी मैटर चल रहा है तो इससे आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। तो रूस के आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति पता होना चाहिए, और नाटो और यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर वगैरह, तो ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो ये इमेज दिख रही है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर जेलनेस्की हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो आपसे आ सकता है चार ऑप्शन दे देंगे, नेफ्ताली बेनेट दे देंगे आपको ऑप्शन में, जो बाइडन दे देंगे, और शेर बहादुर देउबा दे देंगे, एक दे देंगे व्लादिमीर जेलनेस्की। तो इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी हैं पूरी आपको नहीं पढ़ना है, 200 जितने भी देश हैं पूरे आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट हैं जो न्यूज़ में है वो सब आप उन देशों के आपको पढ़ना है, जैसे भारत के पड़ोसी देश वगैरह हैं इनके पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में जैसे रूस है, यूक्रेन है, या कहीं के नए बनते हैं तो वो सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, 48th CJI ऑफ इंडिया यानी 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस NB रमन्ना है, जो भारत के 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कौन से नंबर के हैं? तो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 7 अप्रैल, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई और 22 जून। तो काफ़ी ऑप्शन है इसमें। तो वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कोविड के टाइम्स में स्वास्थ्य पर काफ़ी फोकस रहा तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। इसके अलावा 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को आपका विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डे से आपके देख रहे होंगे आप सिविल जज में एक दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट डे से आते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने विभाजन, विभीष का स्मृति दिवस और पराक्रम दिवस वगैरह देखे थे। नेक्स्ट है, हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन ऑस्कर 2022 यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता ऑस्कर 2022 में? तो ये जीता विल स्मिथ ने, और विल स्मिथ की आप इमेज देख रहे होंगे, तो विल स्मिथ और इनकी एक मूवी आपने जानते हो शायद आप, MIB मैन इन ब्लैक 3, तो ठीक है वो भी काफ़ी अच्छी मतलब एक मूवी है, तो उसमें ये थे। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड इन ऑस्कर 2022 किसने जीता? विल स्मिथ ने। तो आपको एक बात याद रखना है कि आपसे कौन कौन से मतलब अवार्ड या प्राइज वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, एक तो आपका ऑस्कर अवार्ड आपको पढ़ना है, एक आपका आपको पढ़ना है पद्म अवार्ड। पद्म में 3 पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो जो मध्य प्रदेश से जिन भी पर्सनैलिटी को पद्म अवार्ड्स मिले हैं वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा पुराना जब भी भारत रत्न दिया गया था वो आपको पढ़ना है। दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको पढ़ना है, आपको खेल रत्न पढ़ना है, और थोड़ा बहुत आप देख लीजिए द्रोणाचार्य वगैरह अवार्ड, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब के गवर्नर कौन है? तो पंजाब में अभी आपको पता है नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो पंजाब के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं जो गवर्नर हैं पंजाब के, आप इमेज में उन्हें देख रहे होंगे, और भगवंत मान हैं जो वहाँ के CM हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भगवंत मान बने हैं और बनवारी लाल पुरोहित हैं, ये वहाँ के गवर्नर हैं। और हमने देखा था कर्नाटक के गवर्नर कौन थे? थावरचंद गहलोत थे। नेक्स्ट है, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 यानी भारतीय मूल की किस महिला ने 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज जीता? तो ऑप्शन में गीता गोपीनाथ, शकुंतला हरक सिंह, कमला हैरिस और तुलसी गैबार्ड। तो चारों ये इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं इससे पहले MP सिविल जज में, नहीं मतलब अदर एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है लेकिन शकुंतला हरक सिंह, या शकुंतला इंग्लिश में हरक सिंह हुआ, तो इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 मिला है। तो इंपॉर्टेंट प्राइज है आपको, हाँ नोबेल पुरस्कार भी आपको ध्यान देना है, और इसके अलावा आपको दादा साहब फाल्के है जैसे पद्म विभूषण हैं, और ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, मोहाली हॉकी स्टेडियम हैज रीनेम्ड आफ्टर होम यानी मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम आप किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। तो
जो नाम चेंज होते हैं जहाँ के भी, तो वो आपको पढ़ना है। जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा आपका झांसी रेलवे स्टेशन का है, या जो इम्पोर्टेंट आपके चेंज होते हैं, जैसे वो हम लोगों ने विश्वविद्यालय देखा था, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम चेंज हुआ था, तो ये आपके पूछे जाने की संभावना इनकी बढ़ जाती है। तो मोहाली हॉकी स्टेडियम हैज रीनेम्ड आफ्टर होम तो बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड बुक वाज रिटन बाय, होम इन द वर्ल्ड बुक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर, प्रोफेसर अमर्त सेन ने होम इन द वर्ल्ड बुक लिखी। इन्हें आपको पता है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इकोनॉमिक्स का। तो होम इन द वर्ल्ड बुक किसने लिखी? प्रोफेसर अमर्त सेन ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 17 जुलाई, 9 नवंबर, 26 नवंबर या 29 अगस्त। तो वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे आपका मनाया जाता है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को आपका वर्ल्ड इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर, और 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब से मनाया जाता है, आपको यह क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट करना है। और 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम भी चेंज कर दिया है, तो ये आपके एमपी सिविल जज में आ सकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन आप प्रेस कर दें। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो नहीं आ पाती है, तो उसका रीजन है कि आप सब्सक्राइब तो कर देते हैं, आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते। तो उसमें क्या है कि कभी कभार नोटिफिकेशन आपको नहीं आती, लेकिन आप जब अगर बेल आइकन आप प्रेस कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है और वीडियो आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष 3.0 इज रिलेटेड टू, तो एकाध योजना आपसे आ सकती है एग्जाम में। तो मिशन इंद्रधनुष अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 इज रिलेटेड टू एक्सटेंशन ऑफ वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन जो टीकाकरण है उसका एक्सटेंशन करने से रिलेटेड ये आपकी मिशन इंद्रधनुष 3.0 रिलेटेड है। इसके अलावा आपसे जो योजना पूछी जाएंगी, जनरली मध्य प्रदेश वाली पूछ सकते हैं, चाहे वो अंकुर योजना हो, FIR आपके द्वार योजना हो, इससे रिलेटेड आपकी योजना पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, डिफेंस एक्सपो 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय, यानी डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पर होगा या हो चुका है? तो ये होगा गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, यहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2022 होगा। नेक्स्ट है, कहाँ कहाँ के नेम चेंज हुए हैं ये हमें देखना है और कौन सा इनमें से सही है। फर्स्ट है MHRD, तो MHRD का नाम चेंज कर दिया है, आपको पता है मिनिस्ट्री, MHRD का फुल फॉर्म देख लेते पहले, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, तो इसका आप चेंज कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। इसके अलावा आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई थी। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज कर अब PM पोषण कर दिया गया है। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से आपके क्वेश्चन भी आते हैं कि कितने व्यक्तियों को जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला इस वर्ष, अब तो क्योंकि वो मेजर ध्यानचंद हो गया तो उससे क्वेश्चन आ सकता है कि कितने व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, जितने व्यक्तियों को मिला वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, जैसे नीरज चोपड़ा को मिला तो वो किस खेल से संबंधित हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर हो गया है। इसके अलावा काकोरी कांड का नाम चेंज कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, और यह हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, तो काकोरी कांड का नाम क्या हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे न्यू नेम, तो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे, ग्वालियर और चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन है आपके पास, श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे, श्रीमती सुषमा स्वराज एक्सप्रेस वे, लता मंगेशकर एक्सप्रेस वे या कैलाश सत्यार्थी एक्सप्रेस वे। तो चारों ही मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम हो गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे, अटल बिहारी, सुषमा स्वराज, लता मंगेशकर, कैलाश सत्यार्थी, चारों से आपके क्वेश्चन आने की भी संभावना है, क्योंकि चारों मध्य प्रदेश से, कैलाश सत्यार्थी से आप पूछ सकते हैं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और मध्य प्रदेश के हैं, विदिशा के, ठीक है। लता मंगेशकर आपको पता ही है अभी क्वेश्चन आ सकता है, सुषमा स्वराज, इनसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी से आप उठा के देख लीजिए एमपी सिविल जज के कितने क्वेश्चन इनसे आए हैं। नेक्स्ट है, पंख अभियान अंकुर योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी जो पंख अभियान है और अंकुर योजना है किस राज्य से संबंधित है? तो पंख अभियान और अंकुर योजना ये आपकी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, और FIR आपके द्वार भी आपका एक मास कनेक जिंदगी, ये सब आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिला, तो मध्य प्रदेश आपको पता है एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी यहाँ पर कहीं भी समुद्र नहीं है आसपास, यानी एक भूभद्र राज्य है जिसे भूभद्र राज्य कहते हैं, और 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं उससे क्वेश्चन आता है, तो हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है आपका मुरैना, और गजक के लिए फेमस है, आपको पता ही है मुरैना, और दक्षिणी आपका बुरहानपुर है, और पूर्वी जिला मध्य प्रदेश का सबसे सिंगरौली है, जो कि आपके हेडक्वार्टर यानी भोपाल से सबसे दूर स्थित है, एक क्वेश्चन आता था पहले,
और इसके अलावा ऊर्जा राजधानी जो बैड़न है वो सिंगरौली कहा जाता है, सिंगरौली आ जाता है ऑप्शन में, तो सिंगरौली लगा दीजिए। और इसके अलावा नेक्स्ट है अलीराजपुर, तो अलीराजपुर आपका सबसे पश्चिमी जिला है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, दक्षिणी है बुरहानपुर। ये आप मैप देख लीजिए, थोड़ा बहुत आप मैप देख कर जाइए एमपी का, उससे जनरलाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप थोड़ा मैप भी देख लीजिए। तो उत्तरी जिला मुरैना है, दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, पूर्वी सिंगरौली है और पश्चिमी आपका अलीराजपुर है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में नया जिला बना है मध्य प्रदेश का, ओरछा इस जिले में है, ओरछा निवाड़ी पृथ्वीपुर इसकी विधानसभा है। तो इसको आप देख लीजिए थोड़ा, ओरछा निवाड़ी और पृथ्वीपुर, बाकी इसका ये सही है, बिल्कुल नया जिला बना है मध्य प्रदेश का, ओरछा इस जिले में है। तो यहाँ कुछ करेक्शन है क्या, देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए हाँ, निवाड़ी इसका राइट आंसर है, निवाड़ी मध्य प्रदेश का भी नया जिला बना है और ओरछा इसी में आता है। ओरछा इससे पहले टीकमगढ़ में आता था, ओरछा से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ओरछा की स्थापना किसने करवाई थी, ऐसे क्वेश्चन इससे काफ़ी पूछे आते हैं ओरछा से रिलेटेड। और यूनाइटेड नेशन ने भी अभी इसे एक लिस्ट में जारी किया था। तो इसके अलावा ओरछा आपका आप कहाँ आ रहा है, निवाड़ी में और निवाड़ी जिले में आता है, और निवाड़ी में आपकी ओरछा निवाड़ी पृथ्वीपुर इसकी विधानसभा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, निवाड़ी। और 52nd नंबर का यह जिला बना है। नेक्स्ट है, भीमकुंड बक्सवाहा और खजुराहो किस जिले में स्थित हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमकुंड बक्सवाहा खजुराहो किस जिले में स्थित हैं, भीमकुंड आपको पता ही है काफ़ी फेमस कुंड है भीमकुंड, और डिस्कवरी वगैरह पर भी यह आ चुका है। इसके अलावा बक्सवाहा आपको पता ही है, काफ़ी अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, साल भर बक्सवाहा न्यूज़ में रहा, और यहाँ पन्ना से 15 गुना ज़्यादा हीरे पाए जाने की संभावना है, और पेड़ वाला जो पेड़ कटाई से संबंधित था आया है। और खजुराहो आपको पता ही है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं उसमें से एक है खजुराहो। तो किस जिले में है, छतरपुर, रायसेन, निवाड़ी या विदिशा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है छतरपुर, छतरपुर इसका राइट आंसर है आपका। भीमकुंड बक्सवाहा खजुराहो ये सब आपकी छतरपुर जिले में आते हैं। इसके अलावा रायसेन से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपकी जो 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक आपका कौन है, सांची है, और एक आपका है भीमबेटका। तो सांची और आपका भीमबेटका ये आपके आते हैं रायसेन जिले में, और निवाड़ी नया जिला बना है इससे क्वेश्चन बनते हैं, और हेलियोडोरस का स्तंभ आपने सुना हुआ विदिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमें सही सुमेलित करना है, तो सांची रायसेन है, भीमबेटका रायसेन में है, बिल्कुल सही है। तीसरा है खजुराहो छतरपुर में है, बिल्कुल सही है। चौथा है आजमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद, बिल्कुल सही है। पांचवा है ओरछा निवाड़ी जिले, बिल्कुल सही है। मांडू धार ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सही सुमेलित करना है, तो सांची आपका रायसेन, आपको पता है सांची में स्तूप है, एक और स्तूप है मध्य प्रदेश में, कौन सा, भरहौत स्तूप है, कहाँ है, सतना जिले में है। इसके अलावा सांची आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पता ही है, और एक बौद्ध विश्वविद्यालय भी है सांची में। इसके अलावा भीमबेटका रायसेन में है, विष्णु श्रीधर वांकड़कर ने खोज की थी, पिछली वीडियो में देख चुके हैं, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए। खजुराहो आपका छतरपुर में है, बिल्कुल सही है, खजुराहो नृत्य समारोह भी होता है एक। आजमगढ़ होशंगाबाद में मतलब गुफाएँ हैं। ओरछा आपका निवाड़ी में आता है जिले में, और मांडू आपका धार जिले में आता है, तो बिल्कुल सही है। और हिंडोला महल वगैरह ये सब, खरबूजा महल, हिंडोला महल ये सब कहाँ हैं, तो ये सब आपके मांडू में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कितने संभाग, कितने जिले, कितने विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीट हैं। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों 10 संभाग हैं। संभाग को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान दें, डिवीजन। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट यानी कितने जिले हैं, तो 52 जिले हैं। नया जिला जो बनता है उससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो अभी निवाड़ी बना था, कब बना था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं, 230 विधानसभा सीट्स हैं, यानी जो विधायक वगैरह चुने जाते हैं अपनी भाषा में, तो वो 230 हैं। और इसके अलावा 29 लोकसभा सीट्स हैं, यानी 29 सांसद लोकसभा यहाँ से मतलब बनते हैं, और 11 यहाँ से राज्यसभा सांसद बनते हैं। तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं, 230 विधानसभा हैं, 29 आपकी लोकसभा सीट्स हैं, और 11 आपकी राज्यसभा सीट हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित होता है, 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली, खजुराहो, उज्जैन, टीकमगढ़। तो मध्य प्रदेश समारोह है ये आपका दिल्ली में आयोजित होता है। आप लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर खजुराहो या उज्जैन, तो मध्य प्रदेश समारोह नाम मध्य प्रदेश है लेकिन यह दिल्ली में आयोजित होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि भारत भवन कहाँ है, तो भारत भवन कहाँ है यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारत भवन भोपाल में है, चार्ल्स कोरिया उसकी वास्तुकार है। तो मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित होता है, मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में आयोजित होता है। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन है खजुराहो, उज्जैन और टीकमगढ़, तो खजुराहो में भी एक नृत्य समारोह आयोजित होता है, उज्जैन में भी होता है कालिदास समारोह, टीकमगढ़ में आपको पता है एक समारोह आयोजित होता है ओरछा महोत्सव, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, पद्माकर समारोह कहाँ आयोजित होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्माकर समारोह आपका आयोजित होता है सागर में, सागर एक संभाग है, जिला भी है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर में है, और एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेदमी भी आपकी सागर में है। और एरन है जो आपका बीना के पास है, और आपका जिला पूछे तो आपका सागर में आता है, जहाँ पे सती प्रथा का पहला उल्लेख मिला था।
तो गुप्त काल से वो रिलेटेड है। नेक्स्ट है मैहर माता का मंदिर भारत स्तूप किस जिले में है, तो मैहर माता का मंदिर और भारत स्तूप किस जिले में है, चार ऑप्शन है सतना सांची रायसेन या दतिया। तो मैहर माता का मंदिर और आपका भारत स्तूप आपके सतना जिले में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में था सांची रायसेन और दतिया। सांची में भी एक स्तूप है, अशोक वाला स्तूप है, और रायसेन था ऑप्शन में और दतिया था। तो ये जिला पूछा है, तो मैहर माता का मंदिर और भारत स्तूप सतना जिले में। इसके अलावा जो मैहर है इसे जिले बनाने की भी मांग चल रही थी, तो मैहर को चल रही थी और एक और नागदा को चल रही थी और एक और चल रही थी, तो तीन इन्हें मतलब जिला बनाने की भी मांग डिमांड चल रही है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, या मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाती है। तो पहला ऑप्शन है बेड़न सिंगरौली, दूसरा है आपका मैहर, तीसरा है आपका पचमणी और चौथा है आपका जबलपुर। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, तो बेड़न सिंगरौली ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। मैहर को आपका कहा जाता है संगीत राजधानी, इसके अलावा पचमणी को आपका पर्यटक की राजधानी भी कहते हैं, उसे ग्रीष्मकालीन भी राजधानी कहीं कहीं कहा जाता है, और जबलपुर को आपका सांस्कृतिक राजधानी, और यहाँ पर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है, तो इसे जुडिशियल मतलब जुडिशियल कैपिटल ऐसा कुछ कह सकते हैं, न्यायिक राजधानी टाइप ऐसा कुछ अपन इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है पचमणी कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पचमणी कहाँ स्थित है, पचमणी आपका है महादेव पहाड़ी पर पचमणी स्थित है। पचमणी से दो तीन क्वेश्चन आते हैं, पचमणी किस नदी किनारे स्थित है, पचमणी किस जिले में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन पचमणी से आते हैं। नेक्स्ट है मलाजखंड खान किस लिए विख्यात है, तो मलाजखंड खान है जो वो मध्य प्रदेश में तांबा के लिए विख्यात है, मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो मलाजखंड खान है तांबा उत्पादन के लिए विख्यात है। इसके अलावा भरवेली बालाघाट में भी है, बालाघाट में ये मैंगनीज के लिए विख्यात है, और मझगवां आपको पता ही है, मझगवां तो आपको पता होगा पन्ना हीरे के लिए फेमस है, और सुहागपुर की जो खान है वो आपकी शहडोल में है कोयला के लिए आपकी फेमस है। तो देख लेते एक बार, जो मलाजखंड खान है तांबे के लिए है, भरवेली खान है जो मैंगनीज के लिए है, मझगवां है जो आपके जो खान है यानी जो माइंस है ये हीरे के लिए है, सुहागपुर जो माइंस है ये आपकी कोयले के उत्पादन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, पहली फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके, ऑप्शन है शिवांगी सिंह को हमने देखा था, मतलब उसमें राफेल उड़ाने वाली पहली महिला, और इसके अलावा भावना कांत है ऑप्शन में, आयशा अजीज है और इंदु मल्होत्रा है। तो इसको देख लेते हैं हु इज द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंदु मल्होत्रा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हु इज द सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन में विजय शेखर शर्मा, सुंदर पिचई, एनडी जेसी और आधार पूनावाला। तो जो सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वो कौन हैं, आधार पूनावाला हैं, एनडी जेसी शायद अमेजोन के हैं, सुंदर पिचई आपको पता ही है, विजय शेखर शर्मा आपके पेटीएम का आपको पता होगा आईपीओ वगैरह आया था, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है किन किन का आईपीओ आया, पेटीएम का आया था और आईपीओ का फुल फॉर्म वगैरह, और आपका एलआईसी का भी आ रहा है। नेक्स्ट है मैच द करेक्ट, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, आधार पूनावाला सीईओ हैं कौन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, तो वो है आधार पूनावाला। नेक्स्ट है मैच द करेक्ट है, तो यास तूफान इसका नामकरण किस देश ने किया हमें बताना है, तो यास तूफान का नामकरण ओमान ने किया, ये बिल्कुल सही है। और बुरावी एक तूफान आया था इसका नामकरण किया मालदीव ने चक्रवात, और निसर्ग जो चक्रवात आया था इसका नामकरण किया बांग्लादेश ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के 50 वर्ष पूरे किए हैं, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके अलावा गुलाब तूफान का नामकरण किया पाकिस्तान ने, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, यास तूफान का नामकरण ओमान ने, बुरावी मालदीव ने, निसर्ग बांग्लादेश ने, और शेख मुजीबुर रहमान का संबंध किस देश से है, और शेख हसीना का, तो वो बांग्लादेश, और गुलाब पाकिस्तान। नेक्स्ट है हुई द फर्स्ट कॉपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह बने हैं भारत के पहले सहकारिता मंत्री, और आपके गृह मंत्री भी अमित शाह हैं। नेक्स्ट है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, यानी 105वां संविधानिक संशोधन या संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इसको एक बिल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, कितने अभी तक अमेंडमेंट बिल आए हैं और कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी कितने अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं। तो अभी तक भारत के संविधान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 105वां आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन में देख लेते क्या है या किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि 105वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है जीएसटी जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, दूसरा है आपका एनजेक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तीसरा है आपका ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन, और चौथा है एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू कंपाइल अ लिस्ट ऑफ ओबीसी एंड अवार्ड देम विद द रिजर्वेशन। तो इसको देख लेते हैं, पहला जीएसटी बिल्कुल गलत, जीएसटी आपका शायद 10 हाँ जीएसटी आया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और एनजेक वाला भी ये गलत है, और ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन 103rd में आया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4।
तो आप एलिमिनेट कर इसका आंसर दे सकते थे। एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू कंपाइल अ लिस्ट ऑफ ओबीसी एंड अवार्ड देम विद द रिजर्वेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि ओबीसी मतलब ओबीसी लिस्ट जारी करें। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन देवी शक्ति जो न्यूज़ में था वो किससे संबंधित है, तो आपको पता है अफगानिस्तान से संबंधित है। अफगानिस्तान में जो भारतीय नागरिक हैं और विदेशी हैं जो उन्हें मतलब वापस भारत लाने के लिए उन्हें निकालने के लिए एक अभियान चलाया गया था उसे ही कहते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। तो भारत ने चलाया था कहाँ पर, क्वेश्चन आ सकता है किस देश में चलाया। चार ऑप्शन दे देंगे, अफगानिस्तान दे देंगे, यूक्रेन दे देंगे, आपका मालदीव दे देंगे, आपका एक और दे देंगे कुछ UAE वगैरह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, अफगानिस्तान। तो ऑपरेशन का नाम पूछे तो क्या है, देवी शक्ति है। और क्यों चलाया गया, तो भारत के नागरिकों को सही सलामत वापस लाने के लिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कृषि वर्ष एवं राजस्व वर्ष कब से शुरू होता है। मध्य प्रदेश में कृषि वर्ष शुरू होता है 1 जुलाई से और राजस्व वर्ष यानी रेवेन्यू ईयर आपका शुरू होता है 1 अक्टूबर से। दूसरा है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा के तहत राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करे। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता यानी MP लैंड रेवेन्यू कोड की मतलब किस सेक्शन के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर की नियुक्ति करता है, तो या करती है। तो ऑप्शन है 14, 15, 16 और 17। तो इसका राइट आंसर है धारा 16 के तहत जो कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है, 14 में कमिश्नर, 15 में एडिशनल कमिश्नर है, 16 में कलेक्टर और 17 में एडिशनल कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, धारा 16। एक बार फिर से देख लेते हैं, 14 में आपका कमिश्नर, 15 में आपका एडिशनल कमिश्नर, 16 में आपका कलेक्टर और 17 में आपका एडिशनल कलेक्टर। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है मिट्टू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड टू, यानी मिट्टू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एक लीडिंग केस है वो किससे संबंधित है। चार ऑप्शन है, राइट टू प्राइवेसी और सेक्शन 303 IPC यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 103, 66A ऑफ IT Act एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 का है, इसके अलावा एडल्ट्री यानी जारकर्म। तो इनसे क्वेश्चन आपके आते ही हैं, ये आप देख लीजिए। राइट टू प्राइवेसी इससे जो केस हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था रिटायर्ड जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो राइट टू प्राइवेसी के जितने भी केस हैं आपको थोड़ा बहुत पढ़कर जाना है। सेक्शन 303 IPC आपके इससे केस आते हैं, 66 IT Act और एडल्ट्री तो जो न्यूज़ में रहते हैं उनसे केस आते हैं, जैसे एडल्ट्री है। इसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी वाले केस पूछे जा रहे हैं और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो राइट टू लाइफ से केस पूछे जा रहे हैं अभी, और जो भी न्यूज़ में चल रहा है वो जो रिजर्वेशन वाले केस आपसे पूछे जा सकते हैं। और आप अदर स्टेट के पेपर देखिए तो वो ये काफ़ी लीडिंग हैं, तो इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये काफ़ी पूछा जाता है, ये न्यूज़ में अभी नहीं है लेकिन इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो जो प्रीवियस ईयर में पूरे केस आपको नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे जो पहले आए हैं ज़्यादातर या जो अभी न्यूज़ में है, जैसे आपका पेगासस वाला केस है और आपका जो मराठा रिजर्वेशन वाला केस है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड टू, तो इसका आपका राइट आंसर है सेक्शन 303 IPC, सेक्शन 303 IPC इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है सेक्शन 377 IPC नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और नाज फाउंडेशन वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। दूसरा है 497 IPC जो एडल्ट्री से रिलेटेड है, जोसेफ सायन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा अरेस्ट डिटेंशन गाइडलाइन आई थी आपकी डी की बैसू वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। चौथा है पेगासस स्पाईवेयर केस मनोहर लाल शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो चारों सही हैं, 377 IPC है, नवतेज सिंह जौहर से भी संबंधित है, नाच फाउंडेशन भी रिलेटेड है, 497 आपकी जोसेफ सायन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और आपकी जो गाइडलाइंस आई थी डी के बैसू स्टेट ऑफ बंगाल से संबंधित है और पेगासस स्पाईवेयर केस है जो मनोहर लाल शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताना है कौन कौन से खरीफ क्रॉप हैं, कौन कौन से रबी क्रॉप हैं। तो आपके MP सिविल जज में खरीफ क्रॉप कौन है, रबी क्रॉप कौन है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, MB GB KB और TB, जो टेरावाइट है, मेगावाइट है, इनसे भी क्वेश्चन इस टाइप के आपके पूछे जाते हैं, कौन इनमें से खरीफ क्रॉप है और कौन इनमें से रबी क्रॉप है और कौन इनमें से आउटपुट डिवाइस है, विच ऑफ दीज इज आउटपुट डिवाइस, विच ऑफ दीज इज इनपुट डिवाइस, और आपके जो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो खरीफ क्रॉप कौन कौन से हैं, सोयाबीन, उड़द, तिली, मूंगफली, ज्वार और बाजरा। एक बार फिर से देख लेते हैं, सोयाबीन है ये आपका खरीफ क्रॉप में आता है, उड़द है आपका, तिली है, मूंगफली है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब आपके खरीफ क्रॉप हैं। रबी क्रॉप में आपका गेहूं है, रबी क्रॉप अभी जो मतलब अभी कटाई चल रही है और अब कटाई हो गई है, तो कटाई भी हो गई है, थ्रेसर वगैरह हो चुकी है। तो जैसे रबी क्रॉप में क्या क्या आता है, आपका गेहूं है, आपका चना है, सरसों में मटर है, मसूर है। इनके क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, चना में कौन का है, सरसों में किसका है, या मटर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो आपके ये सब आपके रबी क्रॉप हैं, मटर मसूर वगैरह ये सब आपके रबी क्रॉप है। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट, तो इसमें बताना है कौन कौन सा करेक्ट है। तो मेल सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, फीमेल को कहते हैं ईस्ट्रोजन। तो
और इमरजेंसी हार्मोन को कहते हैं एड्रेनालिन, और हाउ मेनी नंबर ऑफ वाल्व इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व पाए जाते हैं, VALVE है, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें तो इसका राइट आंसर है 4। तो ये चारों सही हैं। नेक्स्ट है, विच आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन, कौन कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी हैं जो यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसके अलावा KEDA वगैरह बनाना जो भी आप बना सकते हैं, तो KEDA ये आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है, बाकी आपके बी और सी आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। तो विटामिन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विटामिन बी का साइंटिफिक नाम क्या है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, या किन किन चीज़ों में, मैंने गाजर में क्या पाया जाता है और पपीता में क्या पाया जाता है, और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सी की कमी से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल एसेप्टर एंड यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल एसेप्टर क्या है और यूनिवर्सल डोनर क्या है या कौन है, तो जैसे ए बी जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के जो टाइप हैं उनमें से पूछा जा रहा है कि जो ब्लड ग्रुप में जो यूनिवर्सल एसेप्टर कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो यूनिवर्सल एसेप्टर होता है आपका ए बी प्लस और ओ होता है आपका यूनिवर्सल डोनर, यानी आप ए बी अगर आपका ग्रुप है तो आप किसी का भी जो ब्लड है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और डोनर ओ है वो ओ का ब्लड ग्रुप आप किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो मध्य प्रदेश सिविल जज में आपके आने की संभावना है।